Dear students, welcome on RCA online part 7. Today we start next question. Question number 7. Solve the following system of equations using Cramer rule. देखिए क्रेमर रूल क्या है, मैं अपना क्वेश्चन क्या दिया, 2x plus 3y equal to 9 और 3x minus 2y equal to 7. तो देखो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा. डेल्टा में क्या होगा, जो x और y के कोएफिशिएंट्स उनको लिखते हैं. कैसे लिखोगे, 2 3 3 माइनस 2 कंप्लीट. उसके बाद क्या करोगे, इसको वैल्यूज कैसे निकलेगी, माइनस 4 माइनस 9 यानी क्या आ गया, माइनस का 13 कंप्लीट. ये सब क्या है, डेल्टा इक्वल टू ये हो गया. तो यहां से क्या निकल के आया, डेल्टा इक्वल टू माइनस 13 और वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0. तो देखो वी नो दैट, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. देयरफोर ये सब चीजें आपको लिखना है. देयरफोर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देयरफोर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. कंप्लीट कर दिए यहां तक, उसके बाद देखिए नाउ क्या लिखोगे, डेल्टा 1 इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 9 7 वहां पुट करो, 9 7 उसके बाद क्या होगा, 3 माइनस 2. अब इसे सोल्व करो, डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 21 और ये आ गया माइनस 39. कंप्लीट हो गया डेल्टा 1. अब ऐसे ही आपको क्या लेना है, डेल्टा आपने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या लेना है, डेल्टा 2 लेना है. और डेल्टा 2 क्या होगा, देखिए 9 7 3 माइनस 2 डेल्टा 2 2 3 9 7 और यहां से डेल्टा 2 आया आपके पास 14 माइनस 27 और इसको आप बोल सकते हो माइनस का 13. इतना हो गया. उसके बाद देखिए अब ध्यान से अगेन नाउ, अब आप सीधा फॉर्मूला यूज करो, एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा. डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस 39 और डेल्टा की वैल्यू क्या थी, माइनस 13. माइनस से माइनस माइनस कैंसिल आउट और 13 3 39 तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 3. ऐसे ही देखिए ध्यान दीजिए वाई इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस 13 अपॉन माइनस 13 कट करो क्या आया, 1. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए इस क्वेश्चन को आप कभी एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश कर दो, एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर आपको ये मिलने वाला है. और अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप चेक भी कर सकते हो. देखो इस एक्स को यहां पे रखो, 6 प्लस 1 एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उनको इस इक्वेशन में रख के देख लो, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आपका आंसर सही है और सेटिस्फाई नहीं किया तो मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है. तो क्या हुआ, ये 9 आ गया. ऐसे ही दूसरा देखो, 3 3 क्या हुआ, 9 माइनस 2 इंटू 1 तो 9 माइनस 2 क्या आएगा, 7. इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है, करेक्ट है. देखिए ये मैंने आपको जब 2x2 की डिटर्मिनेंट थे उसको सोल्व कराया है, अब इस पर हम 3x3 पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले कल करेंगे.